हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं कुछ जो अपनी वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। गिनिए, देखो गिनिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये जो गिन्नी की बेबी है, अगर इसको कोई देखने भी आता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए बेबी को दिखा दो, तो ये बहुत ही ज़्यादा उसी के पास बैठ जाती है और वहीं बैठी रहती है, और ये नहीं चाहती कि मेरे बेबी को कोई देखे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है वो छोटे से देवी तो जा रही थी, छोटे बच्चे हैं तो उनको देखना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि कोई इसको छू ना ले, इसके बेबी को, या कोई ये सोचती है कि कहीं कोई ले करके चला ना जाए, तो इसलिए बड़ा ध्यान रखती है। अगर कोई देखने भी आ रहा है ना, प्यार भी कर रहा है उसको, बच्चे को, तो वो वहीं पर ही बैठी रहती है, कहीं हट के नहीं जाती बिल्कुल भी। और अगर कहीं पर भी इसके बेबी को हम ले करके भी चले जाएंगे, ऊपर नीचे कहीं पर भी, तो ये पीछे पीछे ही आती रहेगी। कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है, तो इसलिए बड़ा ध्यान रखती है अपने बच्चे का। और ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है मिनी, और कभी पर भी इधर उधर कूदती रहती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि बुलौटा जो है ना, सुना है कि बच्चों को मार देता है, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये एक जगह टिक के बैठती नहीं है, कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा शरारती हो गई है, और ये काबू में भी नहीं आती है। गिन्नी तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सीधी है, लेकिन ये बहुत तेज़ है और बहुत शरारती है। अगर आप ये देख लेंगे इसकी एक्टिविटी, मैंने और भी वीडियो वैसे भेजी है और आपको, तो आप अगर इसकी शरारतें देखेंगे तो कहेंगे वास्तव में इतनी छोटी सी और इतना ज़्यादा इधर से उधर भागती रहेगी, और बहुत ही अलर्ट रहती है। ज़रा सा भी कहते हैं कि ना, कुछ कुदरती बात होती है इनमें, कि इनकी एक्टिविटी शुरू से ही, बचपन से ही ऐसी आ जाती हैं। हम बच्चों को तो सिखाना पड़ता है, और हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है, लेकिन इनको मुझे नहीं लगता कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये डांट भी खाती रहती है अपनी मम्मी से, क्योंकि जब ज़्यादा शरारत करती है तो ये गिन्नी इसको डांटती भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये, आप ये देखिए, शरारत कर रही है और गिन्नी डांटती भी है, तो उसके बाद ये जा करके तब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाती है। तो दोस्तों, अगर पेट्स होते हैं तो बड़ा अच्छा मन भी लग जाता है, सारे काम करने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा, अगर किसी का मूड भी अच्छा ना हो ना, और इनके पास बैठ जाओ, इनकी शरारतें हरकतें देखते रहो, तो मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। कहते हैं कि ना, एक जो पेट होता है ना, वो हमारा हमारे लिए मतलब कितना कितना देखा जाए तो मूड को बहुत अच्छा कर देता है, टेंशन हटा देते हैं। अगर हम इनके साथ अगर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो, और फिर इनके भाग्य का है, जो हम इनको खाना पिलाना जो हम देते हैं, वो हम देने वाले कौन होते हैं, वो तो ईश्वर है, वो सब करते हैं, सबका इंतजाम वही करते हैं, और ये अपने भाग्य का ही खाते हैं, हम तो कुछ देने वाले नहीं हैं। और जो भी हम देते हैं वो भी जो है, वो इनका जो फूड है वो बड़ा अलग तरीके का है। ये वेजिटेरियन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको जो है वो दही है, दूध है, ये सब देते रहते हैं। और कैट फूड जो है वो भी बाहर से ही जो है वो लेकर के आते हैं। जो भी आप ये समझ लीजिए कि इनका प्रॉपर तरीके से, जैसे घर के मेंबर हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, इसी तरह से इनका भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, तब ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए विश्वास रखते हैं और हमसे प्यार भी करते हैं। आज का वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।